जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वर्सेस पीएनजी टी20 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच ओमान क्रिकेट ग्राउंड ओमान के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी उठ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 17 अक्टूबर को स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है जो पिच रहेगी ना यहाँ पर, ये दोस्तों यूज्ड पिच यहाँ पर रहने वाली है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों अपन ने ना लास्ट मैच के अंदर क्या देखा था, जो पिच थी ना वो दोस्तों बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से बैटर्स के लिए थी। यहाँ पे दोस्तों रन्स भी अच्छे खासे बन रहे थे। आप सोच के देखो वहाँ पे दोस्तों नंबर 7 नंबर 8 के बैटर्स दोस्तों 50 रन की साझेदारी बनाते हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितनी बढ़िया ट्रैक थी। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों बढ़िया यहाँ पे बैटिंग ट्रैक रहने वाला है, बैट्समैन को दोस्तों यहाँ पे मदद मिलेगी। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना स्कॉटलैंड ने आज तक 4 मैच खेले, 3 मैच जीते हैं। दोस्तों आपको पता रहेगा जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, सब दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश को फेवरेट लेके बैठे हुए थे। वहाँ पे दोस्तों स्कॉटलैंड आती है और अपना दोस्तों दमखम दिखाती है यहाँ पे। और पीएनजी दोस्तों अभी सिर्फ 1 मैच खेली है और दोस्तों 10 विकेट से मैच हारी थी। तो आप समझ सकते हो एक तरफ दोस्तों स्कॉटलैंड है जो अपना पहला मैच दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग टीम, मेन मतलब आप सो रहे दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी बांग्लादेश, उसको दोस्तों हरा के आ रही है। वहीं दोस्तों पीएनजी दोस्तों हार के आ रही है एक एवरेज टीम के सामने। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्कॉटलैंड फेवरेट रहेगी। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना जो टीम बैट फर्स्ट करी है 5 बार जीती है, जो टीम चेस करी दोस्तों 4 बार जीती है आउट ऑफ लास्ट 9 गेम्स। एवरेज स्कोर 130-150 आपको बनता दिखेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 7 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है। पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 56 विकेट निकाले हैं। पहली बारी में 27 है, दूसरी बारी के अंदर 29 विकेट्स है। राइट आर्म पेसर्स के 50 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 6 विकेट्स हैं। बात करते हैं पे स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स मतलब जो अपने फिरकी गेंदबाज होते हैं उन्होंने यहाँ पे लास्ट 7 मैच के अंदर ना 38 विकेट्स निकाले हैं। पहली बारी में 20 विकेट है, दूसरी बारी के अंदर 18 विकेट्स है। तो दोस्तों दोनों पारियों के अंदर ना स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। और आप देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 26 विकेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों लेग स्पिनर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, 7 विकेट्स है। ऑफ स्पिनर्स के यहाँ पे 5 विकेट्स हैं। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था दोस्तों 2 दिन पहले 17 अक्टूबर को स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, बहुत अच्छा दोस्तों मैच था। उस मैच के अंदर 8 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाला था और 8 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। सनी वेदर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट दोस्तों आप कर सकते हो। ये दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज अपने लिए बहुत बढ़िया दोस्तों टूर्नामेंट है। अब हम दोस्तों हर 2-3 साल के अंदर वेट करते हैं। अब तो आपको पता रहेगा दोस्तों लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2016 के अंदर। अपन ने दोस्तों 5 साल वेट करा इस टूर्नामेंट का, T20 वर्ल्ड कप का। ये दोस्तों क्या होता है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है यहाँ पे, बेहतरीन टीम्स दोस्तों आती हैं, कम्पीट करती हैं एक दूसरे से और अपने को दोस्तों एंटरटेनमेंट देती है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों टूर्नामेंट है, लाइक करके स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अपन यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं तो आपको पता है दोस्तों जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं जोश डेवी, ब्रैड विल, जॉर्ज मंची, ये दोस्तों बड़े इंक्लूजन्स हैं जो जाके इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, T20 ब्लास्ट खेलते हैं, हाई प्रोफेशनल लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। ये 3 प्लेयर दोस्तों बहुत बड़े हैं इस टीम के अंदर। अर्शद वाला लीड करेंगे पीएनजी को। दोनों टीम्स ने आपस में दोस्तों 4 मैच खेले हैं, स्कॉटलैंड 4 के 4 जीती है, पीएनजी एक भी मैच नहीं जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं स्कॉटलैंड की तरफ से, जॉर्ज मंची ओपन करते हैं काइल कॉट्जर के साथ, कैप्टनसी कर रहे हैं मैथ्यू ग्रॉस दोस्तों यहाँ पे वन डाउन है। फिर आएंगे यहाँ से रिचर्ड बर्मिंगटन, ये राइटी बैटर है, राइटर मीडियम फास्ट है। कुलम मैकलोड आएंगे यहाँ पे, राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है। माइकल लिस्क आएंगे यहाँ पे, ऑफ स्पिनर है दोस्तों, पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं। क्रिस ग्रीव्स यहाँ पे लेग स्पिनर है। मार्क वार्ड दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ पे जोस डेवी, राइट आर्म मीडियम है। स्टेफन शरीफ राइट आर्म मीडियम फास्ट है। ब्रैड विल दोस्तों यहाँ पे राइट आर्म फास्ट मीडियम है। अब दोस्तों आप एक चीज नोटिस करना, इस टीम में ऑफ स्पिनर कौन है। इस टीम में दोस्तों वैसे तो ऑफ स्पिनर्स दो हैं, पहला नाम आता है माइकल लिस्क, रेगुलर ऑफ स्पिनर है। दूसरा नाम आता है कुलन मैकलॉड। पर आपको ये ध्यान देना है जो माइकल लिस्क है ना ये पहले ओवर डालते हैं, ज़्यादा ओवर यही डालते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस टीम में आपको लेफ्टीज बहुत दिखेंगे पीएनजी के अंदर। पहला नाम आता है कौन सा, आप देखो यहाँ पे अर्शद वाला लेफ्टी है,
चार्ल्स अमनी लेफ्टी हैं, शीशा बहू करके इनका नाम है, ये भी लेफ्टी हैं। तो दोस्तों इस टीम के अंदर तीन लेफ्टीज हैं, फिर ऐसे सिमर आते हैं लेफ्टी हैं, तो चार लेफ्टीज आपको दिख जाएंगे। तो क्या होगा, ये है ना जो अपने माइकल लिस के या मिचेल लिस का हूँ तो बेटर है, वो ज़्यादा उछ डाल सकते हैं। टोनी उरा ओपन करेंगे लेगा सियागा के साथ, अर्शद वाला वन डाउन, चार्ल्स अमनी, शीशा बहू आएंगे यहाँ पे, या बहू कहूँ तो बेटर है, बहू जो अपने बोलते ना महाराष्ट्र के अंदर बहू, वो हो गया थोड़ा सा। नॉर्मन वनवा ये भी ठीक प्लेयर है, सिमर आता ही आएंगे, या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी हैं। किपलिंग दुर्गिया करेंगे ऐसे चैट सॉपर, इनको दोस्तों पता नहीं लास्ट मैच क्यों नहीं खिलाया, क्या सोच के दोस्तों पीएनजी ने भाई साहब को बाहर करा था। इधर ना दोस्तों स्टार प्लेयर है इस टीम का चैट सॉपर। रमन रवु आएंगे पर राइट मीडियम फास्ट है, फिर आएंगे ऐसे एंड पकोना लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। प्रमुख गेंदबाज देखो तो कौन रहेगा इस टीम में, रहेंगे ब्रैडविल, जॉर्ज डेवी, मार्क वाट, ये सबसे प्रमुख गेंदबाज है। पीएनजी की बात करते हैं तो इनके प्रमुख गेंदबाज रहेंगे डायमंड रवु, उन्होंने पकोना चैट सॉपर, और यहाँ से आप एक और ऐड कर सकते हो चार्ल्स अमनी भी एक प्रमुख गेंदबाज है। ठीक है, जो लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे वेट कर दे, आप दोस्तों मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, ये दोस्तों प्रैक्टिस मैच स्टैट्स आप इनको पढ़ सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था। मुंशी अच्छे फॉर्म में थे, 67-50 है, 17 है, 15 है, 67 है। कायल कॉर्ड दोस्तों फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ये थोड़ी सी कह सकते हैं आउट ऑफ फॉर्म टीम है, कौन सी, पीएनजी, तो उसके सामने दोस्तों फॉर्म ला सकते हैं। कायल कॉर्ड सर 14-1-10-17 है, मैथ्यू ग्रास का 0-15-57 था। बर्मिंगटन ने दोस्तों प्रैक्टिस में अच्छा काम करा था, 11-41 नॉट आउट 61 नॉट आउट 25 है। कुलम मैकलॉड 36 एक विकेट है, 27 रन, 32 रन, 18 रन। माइकल लिस ने दोस्तों बहुत बढ़िया काम करा प्रैक्टिस मैच में, देखो 2 विकेट्स है, 1 विकेट है, फिर यहाँ से 0 विकेट, फिर 1 विकेट है। शफवान शरीफ का 2 विकेट था, 0 विकेट था, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट है। जॉर्ज डेवी का दोस्तों 0, 1 विकेट, 1 विकेट है। क्रिस ग्रीव्स, इनके बारे में दोस्तों अपने चर्चा भी करी थी अगर आपको याद हो तो लास्ट मैच के अंदर, इसने दोस्तों प्रैक्टिस मैच के अंदर कहर मचाई थी, स्पेशली विद द बॉल, विद द बैट दोस्तों मैंने चर्चा भी नहीं करी थी, जो सीरियसली बात वही कहूँगा दोस्तों आपको सिंसियरली। तो विद द बॉल भाई साहब ने अच्छा काम करा था, आप देखो 3 ओवर में 12 रन दिया 1 विकेट है, 4 ओवर में 17 रन दिया 1 विकेट है, फिर देखो 4 ओवर के अंदर 10 रन दिया 4 विकेट्स हैं, फिर देखो यहाँ पे 3 ओवर के अंदर 25 रन दिया विकेट लेस, इसमें थोड़ा खराब गया था इनका, लेकिन आप देखो दोस्तों लास्ट 3 हेड मतलब प्रैक्टिस मैच में क्या परफॉर्मेंस था। मार्क वाट दोस्तों प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे, फिर से 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट है। बैडविल 0-0, 3 विकेट्स हैं। बात रहेंगे पीएनजी, इन्होंने दोस्तों कुछ ज़्यादा खास करा नहीं। टोनी उरा ठीक थे, 24-2, 69-14। अर्शद वाला अच्छे फॉर्म में थे, 250s करी, और पहले मैच में आते हैं दोस्तों 50 करी थी इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में ना, 250 करी थी, ये कह रहा हूँ मैं आपसे, और अपना जो पहले इनका मैच हुआ था रेगुलर मैच ना कि प्रैक्टिस मैच, उसमें भी भाई साहब ने 50 कर दिया था। देखो प्रैक्टिस मैच 51-32, फिर 1 रन 2 विकेट है, फिर 55 है। चार्ल्स अमनी ये दोस्तों यंगस्टर है, इस पर भी निगाह रखनी है आपको, 15 रन, 4 रन, 25 रन, 17 रन और 3 विकेट्स हैं। शिशिबाहू 3-12-7-38। शिमन अतई 6 रन, 3 रन, 28 रन, 0 विकेट है। नॉर्मन वनवा 1-18-9, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों अच्छी बॉलिंग किसने कराई थी यार, बॉलिंग तो किसी ने अच्छी कराई नहीं थी, ये रीज़न था दोस्तों ओमन यहाँ पे 10 विकेट से जीत गई थी। ये ओवरऑल T20 के स्टैट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जॉर्ज मुंशी ने आज तक T20 के अंदर 54 मैच खेले हैं, 28 के एवरेज है, और ओवरऑल T20 के अंदर इनका 1400 लगभग रनस है, हाई 127 है, 30+19 बार गया है। हेड टू हेड के अंदर क्या करा है, मतलब आपको मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर, स्कॉटलैंड और पीएनजी ने ना आपस के अंदर 4 मैच खेले और 4 के 4 मैच जीते थे स्कॉटलैंड ने हेड टू हेड के अंदर। तो जॉर्ज मुंशी ने हेड टू हेड मैच में करा क्या था, 2 मैच में 64 करा था। कायले कॉर्जर ने 4 मैच में 28 की एवरेज रखी थी, हेड टू हेड के अंदर 114 रन थे। फिर आएंगे मैथ्यू क्रॉस, इनका 4 मैच में 3 पारियों में विद द बैट चांस मिला था, 51 रन थे। रची बर्मिंगटन का 4 मैच में 88 की एवरेज थी, हेड टू हेड के अंदर 176 रन थे। कुलम मैकलॉड 4 मैच में 96 रन, 32 की एवरेज थी। माइकल लिस का हेड टू हेड मैच के अंदर 2 मैच में 12 रन, 0 विकेट है। शफवान शरीफ का 3 में 3 विकेट है। जॉर्ज डेवी का 2 में 2 विकेट्स है। और क्रिस ग्रीव्स का दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर 1 मैच के अंदर 1 विकेट था, इनका हेड टू हेड मैच हुआ था। मार्क वाट 2 मैच 2 विकेट से 1 मैच के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्रैडविल भी दोस्तों अच्छे गेंदबाज है, हेड टू हेड नहीं खेले। अलजी रिवांस ने हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट निकाला था। हमजा तहर का 2 मैच में 5 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। स्टार्टिंग में ब्रैडविल, शफवान शरीफ, मार्क वाट, डेथ ओवर में दोस्तों आएंगे यहाँ पर ब्रैडविल, शफवान शरीफ, मार्क वाट, तो क्रिस ग्रीव्स। एक और नाम जोड़ लो स्टार्टिंग ओवर के अंदर, ब्रैडविल, ठीक है, और जॉर्ज डेवी को भी जोड़ लो। बात करेंगे पीएनजी की, तो उनका हेड टू हेड मैच देख लो और ओवरऑल T20 स्टैट्स भी। यहाँ पे आपको कैसे समझना है कि टोनी उरा ने ना आज तक T20 में 50 मैच खेले हैं, 35 के एवरेज है, 1529 रन है, हाईस्ट 120 है, 30+20 बार करा है। अब हेड टू हेड मैच में क्या करा है, इसने जब स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला है ना तो 4 मैच खेले हैं और 15 की एवरेज 62 रन है। अर्शद वाला 3 मैच 83 रन है, 28 की एवरेज, 1 विकेट है। चार्ल्स अमनी का 4 मैच में 44 रन, 4 विकेट्स हैं।
शिशु बहु का यहाँ पे दो मैच में 42 रन है, शिमन अते का एक मैच में 0 विकेट है, और यहाँ पे नॉर्मन वनवा का 3 मैच में 3 विकेट 47 रन है। यह बहुत अच्छे दोस्तों ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। नॉर्मन वनवा का किपलिंग दुर्गिया 2 मैच में 10 रन है, चार्ट सोपर का हेड टू हेड में 1 में 1 विकेट है, फिर यहाँ से पोकोना जस्ट टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज है 2 मैच में विकेट है, फिर यहाँ से रवजी का 1 मैच के अंदर 1 विकेट है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं दोस्तों आपको। यहाँ पे लेगाशिया का आ सकते हैं, इनका हेड टू हेड मैच में 1 मैच में 31 रन है, ओवरऑल T20 में 33 मैचेस के अंदर मात्र 364 रन है। इनको दोस्तों आपको ट्राई करना है ना लेगाशिया को, तो बैट फर्स्ट में ट्राई करना, 18 की एवरेज है, बैट सेकंड में मात्र 10 की एवरेज है। स्टार्टिंग ओवर पकौना रवु नॉर्मल वनवा, डेथ ओवर में दोस्तों पकौना आएंगे, रवु आएंगे, वनवा आ सकते हैं, और सॉपर दोस्तों खेलेंगे तो पक्का डेथ ओवर में आते आते हैं वो। अन्य स्टैट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मुंशी गए स्वैनिक ऊपर 32 बैट फर्स्ट, 50 चेसिंग है 16, फिर यहाँ पे 29 है कायल कॉटजर, 1 बैट फर्स्ट 74 चेसिंग है, 3 चेसिंग है, 0 बैट फर्स्ट है। मैथ्यू क्रॉस का 5 बैट फर्स्ट 0 चेसिंग, 11 बैट फर्स्ट 10 चेसिंग है। रचे बर्मिंगटन का 47 दो रन है। कुलन मैकलॉड का यहाँ पे 53 35 29 5 है। माइकल लिस का 11 है और 1 विकेट से 3 मैचेस के अंदर। क्रिस ग्रिव्स का यहाँ पे 45 प्लस 2 विकेट है, ये दोस्तों जानदार प्लेयर है, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच लेता अपने T20 आई वर्ल्ड कप के अंदर। आप सोच के देखो मार्क वाट का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कुल मिला के 8 विकेट्स हैं विद द बैट दोस्तों, डिसेंट परफॉर्मेंस है। जोस डेवी 1 विकेट है, शफन शरीफ का यहाँ पे 4 मैचेस के अंदर मात्र 2 विकेट्स हैं, ब्रैडविल का 3 विकेट है, अच्छे गेंदबाज हैं दोस्तों ब्रैडविल इन फॉर्म। टोनियोरा 0, लेगेसी का 0, अर्शद वाला 56 है, अमिनी का 37 प्लस 0 है, बहू का यहाँ पे 13, वनवा का 1 रन है, सिमरते का 3 है, किपलिंग दरोगा का 0 है, डर्मन रवा का 1 रन प्लस 0 विकेट है, कबुआ मौर्या का यहाँ पे 6 रन है, और पकौना का 5 रन प्लस 0 विकेट था। कॉमन कैप्टन अर्शद वाला, क्रिस ग्रिव्स, बड़ी लिस्ट में दोस्तों को सुनाना बना है पे ब्रैडविल को, अर्शद वाला को, मुंशी को, क्रिस ग्रिव्स को, 4 है टॉप मोस्ट पिक्स। अलग जाना है, ट्राई करना आप यहाँ पे किसको, जो अपने चार्ल्स अमिनी है ये दोस्तों टॉप मोस्ट पिक हो सकते हैं, जॉर्ज डेवी, मार्क वार्ड भी अच्छे पिक है। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहने वाले यहाँ पे टीम्स, तो आप देख सकते हो कप्तान साहब है यहाँ पे ब्रैडविल, आप दोस्तों मार्क वार्ड को भी कैप्टन कर सकते हो, जॉर्ज डेवी, क्रिस ग्रिव्स हो गए, यहाँ से वनवा हो गए, अर्शद वाला, अमिनी, टोनियोरा, काले कर्जर को दोस्तों ले रखा, ओपनिंग करेंगे शायद मैच जल्दी फिनिश कर जाए 10 विकेट से ही, तो फिर अलग बात है। और यहाँ बताओ आप क्या कर सकते थे, अगर PNG बॉल फर्स्ट करती है ना बाई चांस, तो आप बताओ यहाँ पे डेथ और ले सकते हो PNG की। जैसे कि यहाँ पे पहला नाम आता है पकौना का, और यहाँ पे एक रघु करके होंगे, ये दिख रहा है, ये दो प्लेयर्स आप ले लेना, रघु को और यहाँ पे पकौना को, और चैट सफर दोस्तों लास्ट मैच नहीं खेले थे, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्लेड लास्ट मैच, तो इन लास्ट मैच नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो आप इनको ले लेना, ही कैन बैट ही कैन बोल अपन कह सकते हैं दोस्तों। अर्शद वाला इंपॉर्टेंट रहेंगे, अमिनी इंपॉर्टेंट है, बर्मिंगटन दोस्तों अगर स्कॉटलैंड बैट फर्स्ट करते हो तो आप इनको जरूर ट्राई करना, बैट सेकंड में दोस्तों दिक्कतें हो सकती हैं, क्या पता टीम 9 विकेट से जीत जाए या फिर 10 विकेट से जीत जाए, ऐसा हो तो माइकल लिस्क एक दो टीम में ट्राई करना दोस्तों, ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लिस्क के अंदर, क्योंकि सामने 3-4 लेफ्टीज पक्का रहेंगे PNG के अंदर, तो उनको एक या दो तो पक्का कराया जाएगा माइकल लिस्क को, और इनकी हाइट भी अच्छी है, सेम लाइक मैथ्यू कार्टर आपको बता रहेगा, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं, मतलब थोड़ी सी हाइट इनकी हल्की सी, तो वहाँ पर इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है, और हिटिंग करना डिफिकल्ट रहेगा इनके खिलाफ। मार्क वाट हो गए, ब्रैडविल हो गए, जस्ट डेवी, शफिन शरीफ को भी आप ट्राई कर सकते हो। स्कॉटलैंड के सारे बॉलर्स कैप्टनसी के पिक हो सकते हैं अच्छे खासे। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, मुंशी इंपॉर्टेंट है, कॉर्जर दोस्तों आई थिंक नीचे खेलेंगे तो शायद इंपॉर्टेंट ना रहे, टर्नर दोस्तों ठीक ठाक पिक है यहाँ पे, फिर आप बहू को ट्राई कर सकते हो, कॉर्जर दोस्तों अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड का मेरे हिसाब से चांस ज़्यादा लग रहा है PNG का, वहीं दोस्तों बॉलिंग अटैक बहुत वीक है। शिया का बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों मैथ्यू क्रॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैचेस भी बहुत आएंगे, एज लगेगा तो ठीक है, वरना सिमरन के साथ आप जा सकते हो, ऊपर भी खेलते हैं और बॉलिंग करते हैं एक दो ओवर। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा मिल जाएगा। वही दोस्तों आपसे कहूँगा लाइफ में खुश रहें, लाइफ दोस्तों एक बार मिलती है, टेक केयर, चैनल पे दोस्तों न्यू तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, दुआ में दोस्तों याद रखना, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।